सेलिब्रिने श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी इंग्लिश ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिटन बाय ए के रामानुजन ऑफ क्लास 9th। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम मीन्स राज्य होता है, ऑफ फूल्स मूर्खों का, यानी मूर्खों के राज्य में। सबसे पहले हम अबाउट द चैप्टर देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा विश्वास है लोगों का कि जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कि जिन्हें केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें मैनेज कर सकता है, उन्हें उन पर काबू पा सकता है। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है, What happens to them, और उनके साथ क्या होता है। तो आइए पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से जानकारी करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफों के या मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स। दोनों, राजा और उनके जो मंत्री थे, दोनों क्या थे, बिल्कुल इडियट्स थे, बेवकूफ थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वह डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे टू रन थिंग्स, यानी अपना काम का चलाना, लाइक अदर किंग्स, दूसरे राजाओं की तरह, यानी वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य का जो काम काज था उस प्रकार नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट। और इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि वो रात को दिन में चेंज कर देंगे और दिन को रात में चेंज कर देंगे। मतलब जो काम दिन में होता है वो रात में करेंगे और जो रात में काम होता है उसे दिन में करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने आदेश दिया दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, कि सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति शुड बी अवेक एट नाइट, रात में जागेगा। टिल दियर फील्ड, अपने खेतों में जाएगा, काम करेगा। एंड रन दियर बिजनेस, और अपना व्यापार चलाएगा। वनली आफ्टर डार्क, केवल डार्क के बाद, यानी जब अंधकार हो जाएगा उसके बाद ही ये सारे काम होंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही सभी लोग अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाएंगे। एवरी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। कोई भी इंसान जो कोई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वही किया फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से, एज दे वेयर टोल्ड, जैसा कि उन्हें कहा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और उनके जो मंत्री थे अपने प्रोजेक्ट की सफलता पे बहुत ही खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनका एक शिष्य उस शहर में आया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही सुंदर सिटी था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दूर दूर तक सूर्य का प्रकाश फैला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं था। एवरी वन वॉज एस्लीप, क्योंकि सभी लोग उस समय सो रहे थे। नॉट अ माउस स्ट्रिंग, कोई भी एक चूहा भी वहां इधर उधर टहलता नहीं दिखाई पड़ा। इवन द कैटल हैड बीन टायर्ड टू स्लीप बाय डे, यहां तक कि जो जानवर थे उनको भी दिन में सोने के लिए उन्हें टाट किया गया था, सिखाया गया था, यानी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। द टू स्ट्रेंजर्स वेयर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। वे दोनों शिष्य और उनका जो गुरु था, वे दोनों अपने आसपास के जो वातावरण को जो देखा उससे वो बहुत आश्चर्यचकित थे। एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वे उसी नगर में टहलते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और तभी अचानक पूरा नगर जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस, और अपने रात्र के बिजनेस के लिए, अपने रात के काम करने के लिए सब लोग निकल गए। द टू मेन बियर हंगरी, वे दोनों लोग बहुत ही भूखे थे, यानी गुरु और उनका जो शिष्य था वे दोनों काफी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स बियर ओपन, अब दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, और वो कुछ ग्रोसरीज, कुछ किराने के सामान को खरीदने के लिए चले गए। टू दियर एस्टोनिशमेंट, उनके लिए बहुत ही ये स्ट्रेंज बात थी, बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कास्ट द सेम ए सिंगल डूडू। उन्होंने पाया कि हर चीज का जो दाम था, सभी सामान का जो दाम था वो एक है,
एक जैसा है, ए सिंगल डुडू। सभी सामान कितने मिलता था? एक सिंगल डुडू। जैसे रुपया वैसे एक डुडू, यहाँ रुपये को डुडू कहा जा रहा है। ए सिंगल डुडू यानी सारे सामान कितने मिल रहा था एक डुडू में। वेदर दे बाट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल खरीदें, आर ए बंच ऑफ बनाना, और चाहे वो केला खरीदें, कोई भी सामान अगर वो खरीदें, सबका सबकी जो कीमत थी वो केवल एक डुड्डू थी। इट कॉस्ट आ डुड्डू, इसकी कीमत केवल एक डुड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वेयर डिलाइटेड, जो गुरु थे और उनका जो शिष्य था वे दोनों काफ़ी खुश थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस, उन्होंने इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रूपी, वे सारे सामान खरीद सकते थे जिन्हें वो चाहते थे फॉर ए डुड्डू, केवल एक रुपए में। जितने भी सामान उनको आवश्यक थे, जो भी सामान वो खरीदना चाहते थे, वो उन सामानों को केवल एक रुपए में खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने भोजन पकाया एंड ईटन और खाया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु को ये आभास हुआ, दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा कि वो यहाँ पर ज़्यादा समय तक अब रुकें। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा स्थान अच्छा प्लेस नहीं है। लेट्स गो ही सेड टू हिज डिसिपल, और इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य से कहा, लेट्स गो, यहाँ से हम लोग चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ें क्या थी, बहुत ही चीप थी, बहुत ही सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वॉज गुड, वो बहुत ही अच्छे थे, चीप फूड और सस्ते भोजन थे। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी लोग बेवकूफ हैं। दिस वुड नॉट बी लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो बेवकूफ़ी चल रही है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आप ये नहीं कह सकते हो कि अगले क्षण वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, आप ये कह नहीं सकते हो। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धिमत्ता को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, और वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अंत में गुरु ने उसे छोड़ दिया, उस स्थान को छोड़ दिया, वहाँ से चल पड़े। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, तुम्हारी जो इच्छा करे वो करो, अपने शिष्य से कहा। आई एम गोइंग, और मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो गुरु उस स्थान को छोड़ के चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, और जो शिष्य था वो वहीं पर ठहर गया। एट हिज फिल एवरी डे, और रोज भरपेट भोजन करता था, जैसे कि बनाना, घी, राइस एंड बीट, केले, घी, चावल और गेहूं, ये सारी चीज़ें वो भरपेट खाया करता था। ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्क्रेट बुल, और खाने के बाद वो इतना मोटा हो गया, लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, एक गली के बुल की तरह वो बिल्कुल मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे, एक दिन, ए थीव ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने एक दीवार में होल कर दिया। एंड स्नीक्ड इन, और अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अपने लूट को लेकर बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कलप्स्ड ऑन हिज हेड, उस पुराने घर की जो दीवार थी उसके सर के ऊपर ढह गई यानी गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी जगह पे मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका यानी जो चोर था उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया एंड कंप्लेंट, और शिकायत किया, योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपने एंशिएंट ट्रेड को यानी पुराने व्यवसाय को परस्यू कर रहा था, यानी उसका जो पुराना पेशा था चोरी करना, यानी जब वो चोरी कर रहा था, तो ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी, एंड किल्ड हिम, और इस प्रकार वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, और इसके लिए दोषी कौन है, ये धनी व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रांग वॉल, क्योंकि इसे जो दीवार बनानी थी वो एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यू मस्ट
पनिश द रंगडर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द दिस इनजस्टिस। आपको जो दोषी हैं उसे सजा देनी चाहिए एंड कंपेंसेट द फैमिली और परिवार को हर्जाना देना चाहिए फॉर दिस इनजस्टिस इस अन्याय के लिए। द किंग सेड राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन कि तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। डू नॉट वरी चिंता मत करो एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस और तुरंत ही उस घर के मालिक को बुलाया गया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड जब वो व्यापारी आया द किंग क्वेश्चन्ड हिम राजा ने उससे प्रश्न किया व्हाट इज योर नेम तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच यानी वो अपना नाम बताने में थोड़ा सा हेजिटेट हुआ। योर हाइनेस महाराज। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस क्या तुम उस समय अपने घर में थे जब ये इंसान तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था। यस माय लॉर्ड उस व्यापारी ने जवाब दिया हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक वो दीवार में होल करके अंदर आ गया। एंड द वॉल वाज वीक और जो दीवार थी वो काफ़ी कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम और दीवार इसके ऊपर गिर पड़ी। द एक्सक्यूज्ड प्लीड गिल्टी और इस प्रकार से द एक्सक्यूज्ड प्लीड गिल्टी ये जो दोषी है आरोपी दोषी करार देता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन और तुमने एक आदमी की हत्या की है। यू हैव टू पनिश वी हैव टू पनिश यू और हमें इसलिए तुमको सजा देनी है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट उस असहाय व्यापारी ने कहा महाराज आई डिड नॉट पुट अप द वॉल मैंने वो दीवार नहीं बनवाई थी। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल वास्तव में उस इंसान की गलती है हु बिल्ड द वॉल जिसने इस दीवार को बनाई है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट उसने इस दीवार को सही ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम और आपको उसे ही सजा देनी चाहिए। हु इज दैट राजा ने पूछा हु इज दैट वो कौन है। माय लॉर्ड महाराज दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम ये जो दीवार बनाई गई थी वो मेरे पिता के जमाने में बनाई गई थी। आई नो द मैन और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने इस दीवार को बनाई है। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ अब वो एक बूढ़ा आदमी हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल राजा ने अपने मैसेंजर को भेजा टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर उस राजगीर को उस मिस्त्री को लाने के लिए हु हैड बिल्ट द वॉल जिसने उस दीवार को बनाई थी। दे ब्राट हिम और जो भी मैसेंजर थे उस राजगीर को लेकर आए टाइड हैंग एंड फुट उसके हाथ पैर बांधकर। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर टाइम कहा देखो क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार बनाई इन हिज फादर्स टाइम इनके पिता के टाइम पर इसके पिता के जमाने में। यस माय लॉर्ड आई डिड उसने कहा हाँ महाराज आई डिड मैंने उनकी दीवार बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई थी। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम ये दीवार एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ी एंड किल्ड हिम और इस प्रकार से वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम तुमने उसकी हत्या की। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ और इसलिए हमें तुम्हें मृत्यु की सजा देकर तुमको पनिश करना पड़ेगा मृत्यु दंड देकर तुमको पनिश करना है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन राजा के एक्सक्यूशन देने से पहले मृत्यु की सजा देने से पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड उस गरीब राजगीर ने प्लीडेड निवेदन किया राजा से प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स अपने आदेश को देने से पहले कृपया मेरी बात को सुनिए। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल ये सत्य है कि मैंने इस दीवार को बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज लेकिन ये ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट क्योंकि मेरा मन दीवार बनाने में नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ए डांसिंग गर्ल एक नृत्यिका हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट जो उस गली में सारा दिन आ जा रही थी विद हर एंकलेट जिंगलिंग और उसके जो पायल की जिंगलिंग थी पायल के बजने की आवाजें आ रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड
आन दीवार, और इस प्रकार से मैं अपनी आँखों को और अपने मन को उस दीवार को बनाने में नहीं लगा सका। आई वॉज बिल्डिंग ऑन दी वॉल, आई वॉज बिल्डिंग, उस दीवार की दीवार पर, जो बिल्डिंग मैं बना रहा था उस बिल्डिंग की दीवार पर मैं अपनी आँखों को और अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नृतिका को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंस, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंस, अब केस जो है बहुत ही गहरा होता चला जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, मुझे इसकी जड़ तक जाना है। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इट इज नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता है टू जज, निर्णय करना सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के जटिल मामलों को जज करना, जटिल मामलों में निर्णय देना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस नृतिका को ले आओ। वेयर एवर शी इज, जहां कहीं भी वो हो, जहां कहीं भी वो रहती हो उसे वहां से लेकर आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमन, वो जो नृतिका थी, डांसिंग गर्ल थी, अब वो एक बूढ़ी महिला हो चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, राजा ने उस महिला से पूछा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुम आ जा रही थी दैट स्ट्रीट, उस गली में, मेनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, जब दिस पुअर मैन, जब ये गरीब आदमी वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब आदमी एक दीवार को बिल्ड कर रहा था, एक दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था उस समय। यस माई लॉर्ड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है। और उसने कहा, हाँ महाराज मुझे ये बहुत ही अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिंगलिंग, और इस प्रकार से तुम वॉक अप एंड डाउन आ जा रही थी विद योर एंकल्स जिंगलिंग, अपनी पायल को बजाते हुए। You were young and you distract him, तुम उस समय यंग थी और तुमने distract him, तुमने उसका ध्यान जो है भंग किया। So he built a bad wall, और इस तरह से उसने जो दीवार बनाई वो बिल्कुल बैड थी, बिल्कुल खराब थी। So dear students, this is the first part of the chapter, the remaining portion you will read in the next part, thank you.